अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुमित किचन। आज बनेंगे पिज़्ज़ा जिसकी मैं सॉस और डो बना चुकी हूँ, उसकी देख लीजिएगा वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुमित किचन। आज बनाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। ये सारे इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो लहसुन के जवे लिए जिनको बारीक कूट लिए। ब्राउन शुगर यूज़ करेंगे, इसकी जगह मैं गुड़ यूज़ कर रही हूँ। नमक है हसबे ज़ायका। लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, आप ज़्यादा भी लेना चाहें तो ले सकती हैं। काली मिर्च 1/2 टीस्पून। टमाटर प्यूरी मेरे पास 1 कप, जो दो ज़्यादा टमाटरों के साथ मैंने बनाई है। थोड़ा सा पानी शामिल करके ब्लेंडर में इनको ब्लेंड कर लिया है। इसी कप को मेजर करते हुए 1 कप केचप जाएगी इसके अंदर। ऑयल जाएगा 1 से 1.5 2 टेबल स्पून आप शामिल कर सकती हैं, मैंने 1.5 टेबल स्पून लिया है। ये सारे से इंग्रेडिएंट्स हैं। अब ये बनेगी कैसे, चलते हैं बनाने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले मैंने पैन में ऑयल शामिल कर दिए, साथ ही लहसुन के जवे जो मैंने बारीक कूटे हुए थे वो शामिल कर दूंगी। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो अदरक भी शामिल कर सकती हैं, जिंजर गार्लिक अगर फ्लेवर देना चाहें, या कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करना चाहें तो वो भी कर सकती हैं। जैसे लहसुन हमारी हल्की सी फ्राई हुई, वो इसके अंदर लाल मिर्च और काली मिर्च शामिल करूँगी मैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, साथ ही इसके अंदर मैं टमाटर प्यूरी शामिल करूँगी। बहुत ही अच्छी ये सॉस है, बहुत ही मज़ेदार ही तैयार होती है, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। और जिसने भी ये खाई है उसने दोबारा मुझसे इसकी रेसिपी की ज़रूर फरमाइश की, तो मैंने सोचा कि एक बेस्ट पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी आपके साथ शेयर करूं, जो बहुत ही अच्छी है, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। अब मैंने इसके अंदर गुड़ और नमक भी शामिल कर दिया है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसको अच्छे से पकाएंगे ताकि ये देखिए गाढ़ा सा हो गया। इसका गुड़ भी इसमें आस्ता आस्ता मेल्ट हो जाएगा। मैं साथ ही इसमें केचप 1 कप शामिल कर दिए। लाल मिर्च आप अपनी टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा भी कर सकती हैं। इस स्टेज पे आप इसका फ्लेवर टेस्ट कर सकती हैं कि मिर्च का और नमक का। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर ये और इसको पकाने के बाद बस देखिए हमारी पिज़्ज़ा सॉस तैयार हो गई है। अच्छी से ज़रा गुड़ को और होने दें, बस मेल्ट हो गया हमारा गुड़। देखिए मैं क्रश कर लूँ, मेल्ट हो गया। बस अब इसको हम निकाल लेंगे। ये देखें कितनी अच्छी गाढ़ी हो गई, इसका कलर। हमारी पिज़्ज़ा सॉस रेडी है, इसको मैं बाउल में निकाल लूँगी। ये कितना ज़बरदस्त कलर है, इसकी शाइनिंग देखिए, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुमित किचन। आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा डो। इसके लिए मैंने 4 कप मैदा लिया है नाप के इस कप से, और नीम गर्म दूध है हसबे ज़रूरत। 1 टीस्पून नमक है, 1 टेबल स्पून चीनी है, 1 टेबल स्पून ईस्ट है, इसी टेबल स्पून से नापा है, और इसी से मैंने 8 चम्मच ऑयल के ले लिए हैं। इसी से नाप 4 टेबल स्पून सूखा दूध जाएगा इसके अंदर। सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल देते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये गूंदने से पहले इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मिल्क पाउडर में इसमें डाल दूँगी, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही आसानी से घर में बन जाती है ये, और आप इसको गूंद के फ्रीज भी कर सकती हैं, जब चाहें निकाल लें, क्योंकि पिज़्ज़ा में बहुत लंबा प्रोसेस होता है। ऑयल भी मैंने शामिल कर दी इसमें, इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छे से। जब ये फूल जाए इसकी एयर निकाल के इसको किसी शीट के अंदर डाल के आप इसको रख सकती हैं फ्रीज़र में। फिर जब भी आपको पिज़्ज़ा बनाना हो तो आप इसको बाहर रख दें, और पिज़्ज़ा सॉस और बाकी चीज़ों के साथ आप इसको आराम से बना के बेक कर सकती हैं।
उसको ना बहुत ज़्यादा बस सख्त गूंद दीजिएगा, ना ज़्यादा नरम। बस हमारी डो तकरीबन तैयार हो गई। इसमें सूखा दूध है इसलिए थोड़ी ज़रा इतनी इसमें फिनिशिंग नहीं आई, लेकिन देखिए इसको कवर करके रख देंगे 2 घंटे के लिए। ये देखिए हमारी डो फूल के तैयार हो गई है। ये देखिए इसके अंदर कितनी एयर है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी डो की हम रोटी बेल लेते हैं। अब मैं आपने रेसिपी देख ली डो की और सॉस की। रोटी बेलने के बाद इसको मैं फैला दूँगी। मैंने 4 अदद पिज़्ज़ा तैयार करने हैं, जिसमें मैं 2 देची में तैयार करूँगी और 2 ओवन में। अब कांटे की मदद से मैंने इस पर निशान लगा लिए। आप चाहें तो छुरी या चम्मच की मदद से भी लगा सकती हैं। अब हम इस पर पिज़्ज़ा सॉस फैलाएंगे। पिज़्ज़ा सॉस बहुत मैटर करती है पिज़्ज़ा के टेस्ट में। अब इस पर होममेड चिकन टिक्का चंक्स डालेंगे। इसकी मैं रेसिपी कार्ड शो कर दूँगी। मैं इसकी वीडियो आपके साथ शेयर नहीं कर सकी, बनाई थी मगर मैं शेयर नहीं कर सकी। इसको अच्छी तरह से प्रेस कर दीजिएगा और सब्ज़ियाँ प्याज और शिमला मिर्च शामिल कर दिए। चीज़ अवन के पास पड़ी हुई मेरी मेल्ट हो गई, तो प्लीज़ कद्दूकश करके डालिएगा। कद्दूकश करके डालेंगे तो देश के में बेक हो जाती है। तो मेरी चीज़ ज़रा सी मेल्ट हो गई, इसको ज़रा प्रॉब्लम होगा उसमें देश के में बेक होने का। बना आम तौर पर मैं बनाती हूँ पिज़्ज़ा। ये देखिए पिज़्ज़ा मैं तैयार की है, मैं पिक्चर ले रही थी पहले से। इस तरह डालेंगे तो इसमें बेक हो जाएगी बहुत अच्छी और बहुत ज़बरदस्त सी गोल्डन हो जाती है। 20 से 25 मिनट बाद ये देखें चीज़ मैंने कद्दूकश किया डाला होता तो ये इसमें मेल्ट हो जाता, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा अवन में रख के कलर दे दूँगी, क्योंकि मेरा पहले से अवन में भी पिज़्ज़ा तैयार हो रहे हैं। ये देखें ज़बरदस्त से हमारे पिज़्ज़ा तैयार हो रहे हैं और ज़बरदस्त खुशबू आ रही है पिज़्ज़ा की। ये देखें हमारे पिज़्ज़ा रेडी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।